गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सी प्लस वर्ल्ड। तो कैसे हो आप लोग, आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और देखिए मैंने अपना वीडियो स्टार्टिंग फ्रूट से किया है। तो आज सुबह सुबह मेरे हस्बैंड गए थे मार्केट और मार्केट से लेके आए इतना सारा फ्रूट्स। और ये जो प्लेट में देख रहे हैं ना, ये है जैक फ्रूट। तो जैक फ्रूट जब पक जाता है ये सीजन में बहुत मीठा मीठा लगता है और खाने में बहुत मज़ा आता है। और ये जामुन, लीची, बहुत कुछ है। हर सीजन में सीजन फ्रूट तो खाना ही चाहिए। तो दोस्तों इतने सारे फ्रूट क्यों लेके आए, तो ये दशहरा दिन का वीडियो है। दशहरा के दिन माँ मनसा देवी का पूजा होता है। तो उस दिन मेरे ससुराल में रीति रिवाज है कि हम लोग उस दिन फ्रूट्स, पोहा ऐसे फलहार करते हैं, उपवास रहते हैं हमारा। तो इसीलिए फ्रूट लेके आए हैं। और देखिए मैं नहा धो के तैयार होके कर रही हूँ भगवान की पूजा। होता है बहुत जोरों शोरों से पूजा होता है, घर में मेहमान आते हैं तो बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पे मैं 10 अलग अलग टाइप का फ्रूट ले लिया है मैंने और भगवान की कर रही हूँ पूजा। क्योंकि दशहरा है इसलिए मैंने 10 अलग अलग टाइप का फ्रूट लिया है। तो चलिए पूजा कर लेती हूँ। भगवान के पूजा करने के बाद देखिए मैं लगे हूँ यहाँ पे फ्रूट कटिंग करने के लिए। क्योंकि सब लोग एक साथ आज मिल के खाना खाएंगे तो इसीलिए एक साथ सारे फ्रूट मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। दशहरा बंगाली जामाई षष्ठी के कुछ दिन बाद ही आता है दशहरा। दशहरा के दिन भी बेटी दामाद घर आते हैं और मंदिर में पूजा होता है और बहुत कुछ होता है। ये एक बंगाली रीति रिवाज है। तो मेरे ससुराल में है इसीलिए मैं भी अपने ससुराल का रीति रिवाज मानती हूँ। हम अपने घर से कितने भी दूर रहते हो लेकिन अपना रीति रिवाज तो मानना ही पड़ता है। जैसे मैं रहती हूँ पुणे पे, अपने गांव के घर में नहीं रहती हूँ लेकिन फिर भी जो रीति रिवाज है वो तो हर औरत को मानना ही पड़ता है। और ऐसा कि है ये मजबूरी में मानना नहीं है, ये अच्छा लगता है अपना रीति रिवाज मानना, अपना सब कुछ मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। ये तो सबको पता ही है। जैसे गांव में तो बहुत ज़ोरों शोरों से होता है, बेटी दामाद और भी बहुत सारे मेहमान आते हैं घर में, सब मंदिर में पूजा देने पूजा होता है और भी बहुत कुछ होता है। मैं उतना तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती लेकिन जितना मैं यहाँ पे करती हूँ, मैं यहाँ पे मानती हूँ, उतना आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। दशहरा के दिन हमारे घर में बिल्कुल राइस वगैरह कुछ भी नहीं बनता है। उस दिन हम लोग फलहार करते हैं, जैसे फ्रूट, स्वीट्स ये सब खाते हैं और अच्छा लगता है क्योंकि ये साल में एक ही बार आता है। तो देखिए फ्रूट कटिंग सब करने के बाद हम यहाँ पे बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। और यहाँ पे देखिए पोहा के साथ मैं स्वीट्स, मीठा दही और शक्कर सब मिक्स करके एक साथ आज वही खाना खाएंगे, पोहा, मीठा दही, फ्रूट्स। तो यही हमारा रीति रिवाज है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लूँ।
तो चलिए मैं पोहा में मीठा दही, शक्कर और स्वीट्स मिक्स कर रही हूँ, फिर हम लोग एक साथ ऐसे ही खाना खाएंगे आज। और सचमुच साल में एक ही दिन होता है जिस दिन हम लोग ऐसे खाना खाते हैं। हाँ, जो जामा षष्ठी का वीडियो मैंने शेयर किया था उस दिन भी हम लोग खाते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट में खाते हैं, उसके बाद लंच में बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन जो दशहरा होता है उस दिन हम लोग लंच में यही खाते हैं और कुछ नहीं, और रात को पराठा पूरी ये सब बनाते। तो देखिए दोस्तों, अभी बज रहे हैं 2:30 और मैं कर रही हूँ यहाँ पे लंच मेरे बच्चों के साथ। मेरे हस्बैंड ऑफिस में ही लंच कर लेंगे। मैंने ये सारे फ्रूट्स जो भी है सब ऑफिस में भेज दिया है, क्योंकि उनको आज छुट्टी नहीं है, टाइम नहीं है। तो लंच में आज बहुत कुछ है, मैंने आपको दिखाया बैक कैमरा करके। तो चलिए करते हैं लंच। तो हमारे बंगाली जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी बहुत सारे रीति रिवाज हैं, बहुत कुछ फेस्टिवल है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि बंगाल में भी बहुत कुछ मनाया जाता है फेस्टिवल। तो आज का फेस्टिवल है दशहरा, और तो गांव में तो बहुत ज़ोरों शोरों से पूजा होती है। तो चलिए पहले लंच कर लेती हूँ, फिर आपके साथ ज़रूर बातें करूँगी। अपना लंच कंप्लीट करने के बाद मैं लग गई अपने रोज़ाना कामों में। जैसे रोज़ाना अपना रहता है किचन क्लीनिंग, बर्तन क्लीनिंग, ये सब तो रहते हैं। तो चलिए मैं किचन का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद बना रही हूँ डिनर। और डिनर में बन रहा है गर्मा गर्म पूरी और दम आलू, ऑलवेज माय फेवरेट, और उसके साथ है गाजर का हलवा। तो चलिए, पूरी और दम आलू तो मैंने बहुत बार बनाया, बहुत बार वीडियो शेयर किया, अभी जामाई षष्ठी के दिन भी बनाया, लेकिन चलिए आज गाजर का हलवा का रेसिपी नहीं, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ थोड़ा सा वीडियो आज आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने गाजर को ग्रेट कर लिया है और उसके ऊपर वो साइड में रख दिया है, और कढ़ाई के ऊपर डाल रही हूँ घी। वैसे सारे लोगों को आता है गाजर का हलवा बनाना, ऐसा कुछ नया रेसिपी नहीं है, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ मेरी स्टाइल का गाजर का हलवा मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देसी घी के ऊपर मैंने डाल दिया है ग्रेट किया हुआ गाजर, और उसको थोड़ा सा अभी चलाना है। तो चलिए मैं कैसे बनाती हूँ, देखते रहिए, वीडियो स्किप मत करना दोस्तों। गाजर को ऐसे चलाना है, लेकिन ये पकाते पकाते उसके ऊपर बार बार ऐसे ढक्कन देना है, और गैस को लो टू मीडियम फ्लेम में रखना है, क्योंकि गैस को आप हाई फ्लेम में रखोगे ना ये गाजर जल जाएगा और पकेगा भी नहीं। ऐसे ढक्कन देके आप लो टू मीडियम फ्लेम में रख के पकाओगे ना गाजर अच्छे से पक जाएगा, आधे तो इसमें ही पक जाएगा, और उसके बाद जब आप दूध डालोगे तो उसमें अच्छे से पक जाएगा। तो मैंने दूध गर्म कर लिया था, तो देखिए इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ दूध, और फिर से थोड़ा सा इसको ढक दूंगी ताकि गाजर अच्छे से पक जाए। तो देखिए, थोड़ी देर बाद मैंने इसका ढक्कन निकाल दिया है, और इसके ऊपर डाल दिया है चीनी, क्योंकि बिना चीनी के गाजर का हलवा कैसे बनेगा दोस्तों, मैं मजाक कर रही हूँ, सबको ये पता ही है। क्योंकि चीनी आप अपने हिसाब से डालिए, जैसे आपको कम मीठा खाना हो तो चीनी कम डालिए, ज़्यादा खाना पसंद है तो ज़्यादा डालिए, वैसे भी गाजर मीठा ही होता ही है। तो देखिए, इसके ऊपर मैं कुछ स्पेशल चीज़ डालूंगी जिसे ये गाजर का हलवा बन जाएगा स्पेशल। तो मैं डाल रही हूँ खवा खीर, जो खवा खीर होता है ना, ये जब स्वीट्स बनता है ना तब उसमें डाला जाता है। तो आप इसको गाजर का हलवे में डालोगे ना तो उसका टेस्ट एकदम बढ़िया बन जाएगा, और आप इस तरह से बनाओगे और अपने हस्बैंड को खिलाओगे ना तो वो तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। और अगर घर पे गेस्ट आए तो भी आप ऐसे बना के खिला सकते हो, सचमुच वो भी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, क्योंकि ये होता बहुत ही टेस्टी है। अभी मैंने डाल दिया है इसके ऊपर कटी हुई ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स डालने से भी गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है।
तो चलिए ये अभी ऑलरेडी तैयार होने को है। लास्ट में मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी, वो है इलायची पाउडर। मैं इलायची पाउडर घर में ही बनाती हूँ, जैसे इलायची का दाना निकालती हूँ और ऐसा कूट के उसको एकदम पूरा पाउडर नहीं बनाती हूँ, आधे ऐसा कूट के फिर इसके ऊपर डाल देती हूँ, क्योंकि उसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने इलायची पाउडर भी डाल दिया है और गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है, और इसको अभी सर्व करूंगी गर्मा गर्म पूरी, दम आलू और गाजर का हलवा। सचमुच दोस्तों आज का डिनर बहुत ही स्पेशल है, और मुझे मेरे घर में सबको गाजर का हलवा बहुत पसंद है। अगर आप ऐसे बनाइए ना जैसे मैंने बनाई है तो बना के खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसा लगा। गर्मी के सीजन में रात को ठंडा ठंडा आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और है ना, तो मैंने इतने गर्मी में इतने सारा कुछ बनाया तो मेरा हस्बैंड मेरे लिए लेके आए हैं, मेरे लिए नहीं हम सबके लिए लेके आए हैं ठंडा ठंडा आइसक्रीम। तो चलिए आज ठंडी ठंडा आइसक्रीम के साथ मेरे वीडियो यहाँ पे करती हूँ एंड। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।